लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन ऑफ एक्सरसाइज फोर ई दट इज क्वॉर्डरटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इज अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स टू आवर्स लेस फॉर अ जर्नी एक पैसेंजर ट्रेन दो घंटे कम लेती है जर्नी के लिए ऑफ थ्री हंड्रेड किलोमीटर तीन सौ किलोमीटर की जर्नी के लिए इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय फाइव किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजअल स्पीड दो घंटे कम लेगी तीन सौ किलोमीटर कवर करने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन अगर उसकी स्पीड यूजुअल स्पीड से पाँच किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड तो हमें उसकी यूजुअल स्पीड निकालनी है तो हमें यूजुअल स्पीड उसकी पता नहीं है तो लेट द यूजुअल स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आर यूजअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आ है राइट और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है डिस्टेंस इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड किलोमीटर कवर कर रही है एक ट्रेन अब वो कह रहा है कि दो घंटे कम लेगी यूजुअल स्पीड पे अगर जाएगी अगर थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड किलोमीटर यूजुअल स्पीड पे जाती है तो वो दो घंटे कम लेती है कब जब वो 300 किलोमीटर यूजुअल स्पीड से पाँच घंटे पर आर की स्पीड बढ़ा देती है फिर से बता रही हूँ 300 किलोमीटर अगर वो यूजुअल स्पीड से जाती है तो वो टू आवर्स कम लेगी अगर वो 300 किलोमीटर की यूजुअल स्पीड से पाँच किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देती है तो चलिए सॉल्व करते हैं 300 x की टर्म्स एक साइड ले लेते हैं आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं मैं मोस्टली एक्स की टर्म्स एक साइड ले लेती हूँ तो ये आ गया एक्स इन टू एक्स प्लस फाइव ये आई 300 की मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस फाइव में और माइनस थ्री की मल्टीप्लीकेशन एक्स में इक्वल्स टू टू अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो ये आ गया 300x हंड्रेड एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस थ्री हंड्रेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू टू थ्री हंड्रेड एक्स एक प्लस का था एक माइनस का था कैंसिल हो गया तो ये कितना बच गया फिफ्टीन हंड्रेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू टू बच गया अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया हमारा फिफ्टीन हंड्रेड क्वल्स टू टू इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स ब्राकेट्स ओपन कर देते हैं तो ये आ गया फिफ्टीन हंड्रेड इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स फिफ्टीन हंड्रेड राइट हैंड साइड चला गया तो यह आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस फिफ्टीन हंड्रेड अब पूरी इक्वेशन हमें पता है टू से डिवाइड हो रही है तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन फिफ्टी इक्वल्स टू ज़ीरो अब सेवन फिफ्टी की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुई तो ये आया माइनस सेवन फिफ्टी एक्स स्क्वायर अब इसके ऐसे ही दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके फाइव एक्स आए तो देखिए फाइव से गया फाइव वन ज़ा फाइव 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 ज़ा ट्वेंटी फाइव एंड ज़ीरो अगेन फाइव से फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन एंड ज़ीरो फिर से फाइव से गया फाइव सिक्स ज़ा थर्टी थ्री टू ज सिक्स अब देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो उसमें किया है थर्टी एक्स इंटू ट्वेंटी फाइव एक्स ये हमारा बनाता है सेवन फिफ्टी एक्स तो बड़ा वाला प्लस का होगा और छोटा वाला माइनस का होगा क्योंकि मिडिल टर्म हमारी प्लस की थी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सेवन फिफ्टी इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स कॉमन आया तो क्या बज गया एक्स प्लस थर्टी और माइनस ट्वेंटी फाइव कॉमन आया तो क्या बज गया एक्स प्लस थर्टी इक्वल्स टू जीरो अब एक्स प्लस थर्टी कॉमन आया तो क्या बज गया एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो यही लिख देते हैं पीछे एक्स प्लस थर्टी एंड एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो तो एक्स प्लस थर्टी को हमने ज़ीरो के इक्वल रखा तो so एक्स आया माइनस थर्टी विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव को ज़ीरो के इक्वल रखा तो so एक्स की वैल्यू आ गई ट्वेंटी फाइव तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो गई एवरेज स्पीड इज ईक्स टू ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आर आंसर लेट्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इज द डिस्टेंस बिटवीन द मुंबई एंड पुणे इज वन नाइन्टी टू किलोमीटर मुंबई और पुणे के बीच का डिस्टेंस है वन नाइन्टी टू किलोमीटर ट्रैवलिंग बाय द डेकन क्वीन अगर हम डेकन क्वीन से ट्रैवल करते हैं तो इट टेक्स फोर्टी एट मिनट्स लेस देन द अनादर ट्रेन तो वो 48 मिनट्स कम लेगी और किसी ट्रेनों से कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक क्वीन इफ़ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन डिफ़र बाय 20 किलोमीटर पर आवर अगर हम हमें क्या कैलकुलेट करनी है स्पीड कैलकुलेट करनी है डेकन क्वीन की अगर डेक क्वीन और किसी और ट्रेन की स्पीड में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है मतलब हमें डेक क्वीन की स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे हमने कहा हमें स्पीड नहीं पता डेकन क्वीन की लेट द स्पीड ऑफ डेकन क्वीन डेकन क्वीन बी एक्स किलोमीटर पर आर राइट डेकन क्वीन की स्पीड को हमने एक्स किलोमीटर पर आर मान लिया तो स्पीड ऑफ किसी और ट्रेन की अनादर ट्रेन विल बी एंड किसी और ट्रेन की स्पीड क्या हुई होगी वाई किलोमीटर पर आर हो गई होगी राइट right? अब वो कह रहा था इन दोनों किसी और ट्रेन और डेक एंड क्वीन की दोनों की स्पीड में 20 किलोमीटर पर आर का डिफरेंस है तो इक्वल्स टू 20 यह आ गई एक इक्वेशन राइट right? और क्या कह रहा था कि ट्रैवल्ड बाय द डेक एंड क्वीन इट टेक्स 48 एट मिनट लेस देन दनादर ट्रेन अगर हम डेकन क्वीन से ट्रैवल करते हैं दैट मीन्स हमारा डिस्टेंस था 192 किलोमीटर कम मुंबई और पूना के बीच में अगर हम डेकन क्वीन से ट्रैवल करते हैं तो 48 मिनट्स कम लगते हैं किससे 192 किलोमीटर अगर हम किसी और ट्रेन से ट्रैवल करते हैं फिर से दी बता रही हूँ हमारा मुंबई और पुणे के डिस्टेंस था 192 किलोमीटर और वो कह रहा है अगर हम डेकन क्वीन से ट्रैवल करते हैं तो हमारा टाइम जो लगेगा वो 48 मिनट्स कम लगेगा किसी और ट्रेन से तो अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं y की वैल्यू क्या लिखेंगे देखिए y मैं इधर ले आती हूँ और 20 इधर ले आती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू वाई आ गई अब y की जगह हमने x माइनस ट्वेंटी लिख दिया तो ये आ गया 192 नाइन्टी टू अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन नाइन्टी टू अपॉन एक्स माइनस ट्वेंटी कर दिया क्योंकि वन वेरिएबल में करना था माइनस फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी अब हमें x की वैल्यूज़ एक साइड और नॉन x वैल्यूज एक साइड लानी है तो हमने लिखा 192 नाइन्टी टू अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन x माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू माइनस का फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी यह आ गया अब ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट ट्वेल्व फाइव जो सिक्सटी ये आ गया अब एल सी एम लिया इधर तो ये कितना आ गया x इंटू एक्स माइनस ट्वेंटी तो ये कितना आ गया वन नाइन्टी टू इंटू एक्स माइनस ट्वेंटी में मल्टीप्लीकेशन हो गई और 192 की x में मल्टीप्लीकेशन हो गई इक्वल्स टू माइनस फोर अपॉन फाइव ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया 192x नाइन्टी टू एक्स माइनस वन नाइन्टी तो ये कितना आ गया टू टू जो फोर टू नाइन जो एटीन कैरी वन टू वन जो टू थ्री थ्री एट फोर जीरो आगे माइनस वन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स इक्वल टू माइनस फोर फाइव आ गया अब वन कट टू एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था तो माइनस का थ्री एट फोर जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर फाइव अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया माइनस का थ्री एट फोर जीरो इंटू फाइव इक्वल्स टू माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स अब देखिए माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा क्यों हो जाएगा दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन हो रही है राइट right? और आगे क्या आ जाएगा फाइव जीरो फाइव फोर जो ट्वेंटी टू कैरी फाइव एट जो फोर्टी फोर्टी टू फोर कैरी फाइव थ्री जो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी एक्स आ गया अब एक जगह ले आएंगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी एक्स और वन नाइन टू डबल जीरो हम दूसरी साइड ले गए लेफ्ट हैंड साइड से तो ये माइनस का हो गया अब हमें दिख रहा है ये पूरा फोर से डिवाइड होना चाहिए अगर ये भी फोर से डिवाइड होता है तो तो देखिए फोर फोर ज़ा सिक्सटीन थर्टी टू फोर एट थर्टी टू येस पूरी इक्वेशन फोर से डिवाइड हो रही है तो हमने फोर से डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस फोर फोर जो सिक्सटीन फोर एट जो थर्टी टू एंड दो जीरो इक्वल्स टू ज़ीरो अब फोर्टी एट हंड्रेड की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन हुई तो टू से जाएगा टू टू जो फोर टू फोर जो एट ज़ीरो ज़ीरो टू वन जो टू 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 जो फोर ज़ीरो ज़ीरो अगेन टू सिक्स जो ट्वेल्व टू जीरो टू थ्री ज़ा सिक्स दो ज़ीरो थ्री वन ज थ्री टू ज़ीरो टेन इंटू टेन तो देखते हैं क्या फैक्टर्स बनेंगे अगर देखें टू थ्री ज़िक्स सिक्सटी टेन ट्वेंटी फोर्टी एंड एट्टी एट्टी एंड सिक्सटी येस एट्टी एंड सिक्सटी बन जाएंगे हमारे फोर्टी एट हंड्रेड एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स बन जाएंगे एट्टी एक्स एंड सिक्सटी एक्स तो ये वाला तो मिड टर्म का हो गया माइनस और ये हो गया प्लस तो ये आ गया हमारे फैक्टर्स तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी एक्स प्लस सिक्सटी एक्स माइनस फोर्टी एट हंड्रेड इक्वल्स टू ज़ीरो तो एक्स कॉमन आया तो क्या हुआ एक्स माइनस एट्टी प्लस सिक्सटी कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस एट्टी इक्वल्स टू ज़ीरो तो x माइनस एट्टी एंड x प्लस सिक्सटी इक्वल्स टू ज़ीरो बज गया तो so, x की वैल्यू निकाल लेते हैं x माइनस एट्टी को ज़ीरो के इक्वल लगा रखा तो so x की वैल्यू आई एट्टी इसी तरीके से x प्लस सिक्सटी को ज़ीरो के इक्वल रखा तो so x की वैल्यू आई माइनस सिक्सटी और स्पीड माइनस में नहीं होती तो हमें स्पीड ऑफ डेकन क्वीन निकालनी थी तो स्पीड कितनी आई डेकन क्वीन की स्पीड ऑफ डेकन क्वीन उसको हमने एक्स माना था इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आर इज द आंसर